बिस्मिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद सब ठीक हो, सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको अपने मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मेरे खुश नसीब हो। मेरे प्यारे बहन भाई, आज की रस्म मैं शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा नहायत रहने वाला है। मैं आज की रस्म बना रही हूँ कद्दू और दाल चना। ये मैंने ऑयल गर्म करने पर जो है मैंने पेस्ट बनाया है, टमाटर प्याज सबल मिर्ची लहसुन अदरक सब चीज़ों का मैंने ये पेस्ट बनाया है, ये शामिल किया मैंने। ये टमाटर प्याज लहसुन अदरक सब्ज मिर्ची ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, मैं अब मसाले शामिल कर रही हूँ। ये एक पीस नमक शामिल कर रही हूँ, ये हाफ टी स्पून कोरमा मसाला और एक टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी। और ये मेथी जीरा गरम मसाला जवैन ये एक टी स्पून और ये सुर्ख मिर्च एक टी स्पून, ये सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। ये कद्दू में शामिल कर दूंगा, तो ये दाल चना शामिल कर दूंगा। मैं इसे अच्छी तरह बनाई करूंगी। मेरे प्यारे बहन भाई, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाइयों दोस्त रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बिल दल का बटन लाजम प्रेस करना ताकि नई आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। ये कद्दू और दाल की बुनाई होगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं हाफ लीटर पानी शामिल कर रही हूँ, नीम गर्म पानी की या ठंडा पानी शामिल नहीं कर रही, अब पानी शामिल करने से ये दाल जो है हार्ड हो जाती है। मैंने ये नीम गर्म पानी किया, ये शामिल कर रही हूँ हाफ लीटर। दाल अच्छी तरह फल जाएगी, आज की रेसिपी तैयार हो गई है कद्दू दाल चने। मैं आपको शॉर्ट कर रही हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने बहन भाई दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर देना, बेल का बटन लाजमी प्रेस करना ताकि रिव आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखना, कल की रेसिपी में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।